हेलो बच्चों, क्लासिकल केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम टॉपिक समझेंगे, क्लास 11th का इम्पोर्टेंट टॉपिक है और 10th का भी है वैसे तो भाई, समस्थानिक। तो समस्थानिक क्या होता है बच्चों? जब किसी तत्व के, देखो भाई यहाँ से पढ़ने की कोशिश करो, जब किसी एक ही तत्व के, अलग अलग, भाई अलग अलग परमाणु हो सकते हैं उनके, क्या होता है बच्चों, अलग अलग परमाणु के परमाणु द्रव्यमान तो समान हो जाए भाई, क्या हो जाए बच्चों, समान हो जाए, लेकिन उनके जो परमाणु भार है, क्या बच्चों, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, हम समस्थानिक बोलते हैं। या इसकी दूसरी डेफिनेशन भी बना सकते हैं हम भाई, दूसरी डेफिनेशन क्या है इसकी, या भाई इसकी दूसरी डेफिनेशन कैसे बन जाएगी बच्चों, ये बन जाएगी कि जब किसी परमाणु के परमाणु क्रमांक समान हो जाए भाई, परमाणु क्रमांक क्या हो जाए बच्चों, समान हो जाए, परमाणु क्रमांक बोल रहा है, परमाणु क्रमांक क्या हो जाए, समान हो जाए, और परमाणु द्रव्यमान, जो परमाणु द्रव्यमान में क्या हो जाए बच्चों, अलग अलग हो जाए, तो ऐसे परमाणु एक दूसरे क्या होते हैं, समस्थानिक होते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं बच्चों, समस्थानिक होते हैं, ठीक है भाई। जैसे एग्जाम्पल है हाइड्रोजन का, एग्जाम्पल है हाइड्रोजन का, पहला एग्जाम्पल है ये प्रोटियम, जिसको बोलते हैं 1H1 प्रोटियम, पी से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, 1H2, मतलब इसका परमाणु क्रमांक देखो, परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु क्रमांक प्रत्येक का समान है, लेकिन परमाणु भार अलग अलग, यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर तीन है। तो जैसे प्रोटियम 1H1, ड्यूट्रियम 1H2, ट्राइटियम 1H3, तो इनका परमाणु भार तुम देखो या परमाणु द्रव्यमान क्या है, अलग अलग है, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या बच्चों, समान है। इसी प्रकार बच्चों ये वाला एग्जाम्पल है कार्बन वाले, कार्बन के समस्थानिक भी तीन पाए जाते हैं, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी क्या बच्चों, 6, लेकिन परमाणु भार 12, 13, 14। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं समस्थानिक क्या होंगे, जब परमाणु क्रमांक समान होंगे लेकिन परमाणु भार क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो बच्चों हमेशा याद रख लेना, हाइड्रोजन के परमाणु, हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने पाए जाते हैं, 3, और कार्बन के समस्थानिक कितने पाए जाते हैं, 3। अगर हाइड्रोजन के समस्थानिक पूछ ले कौन कौन से होते हैं, जैसे प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम, ठीक है, ये कार्बन के समस्थानिक। तो आई होप बच्चों आप सभी के अच्छे समझ में आया होगा।